तो नमस्कार भाई, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग लेकर आए हैं कंप्यूटर पर ऐसे, है ना, कंप्यूटर पर ऐसे भाई, जिसको आप क्या बोलते हैं, आर्टिकल भी बोलते हैं ना, क्या आर्टिकल। तो भाई आज हम लेकर आए हैं, चलिए फटाफट आपको बताते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, है ना, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बेस्ट एग्जाम्पल के साथ, मतलब अच्छे से एक समझाऊंगा आपको, है ना। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। उससे पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे भाई इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मतलब होता है परिचय, है ना। तो द माने कुछ नहीं, कंप्यूटर माने कंप्यूटर, है ना, इस माने है क्या चीज़, एन माने एक, है ना, इस माने है एन माने एक, इलेक्ट्रॉनिक माने इलेक्ट्रॉनिक, डिवाइस माने उपकरण, यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना। कंप्यूटर कैन, कंप्यूटर कर सकता है, डू मतलब है ना, कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर, कैन मतलब सकता है, डू माने कर, कॉम्प्लेक्स माने कठिन से कठिन, कैलकुलेशन मतलब क्या होता भाई, जोड़, है ना, जोड़ घटाना, कैलकुलेशन मतलब संक्रियाएं कर सकता है। एंड वर्क वेरी क्विकली, एंड माने और, वर्क माने काम कर सकता है, वेरी माने बहुत, क्विकली माने तेज, और बहुत ही तेज काम कर सकता है ना। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, जो पहला यांत्रिक कंप्यूटर था, क्रिएटेड बनाया गया था चार्ल्स बैबेज के द्वारा इन 1822, यानी 1822 में चार्ल्स बैबेज के द्वारा बनाया गया था ना। तो ये पहला हो गया भाई, है ना, कंप्यूटर। तो चलिए इंट्रोडक्शन हो चुका है, इंट्रोडक्शन का मतलब होता भाई परिचय, है ना, मतलब कैसे क्या था, कैसे बनाया गया। आगे देखेंगे यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन लाइफ, है ना, यानी कंप्यूटर का लाइफ में क्या प्रयोग है। तो ये कुछ नहीं है भाई, यहाँ पर लिखा हुआ यूज़ मतलब प्रयोग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इन लाइफ यानी जीवन में, है ना। द कंप्यूटर इज़ वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ, यानी कि जो कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है इन आवर डेली लाइफ, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, है ना। द कंप्यूटर इज़ यूज्ड, कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है इन स्कूल, स्कूलों में, कॉलेजेस, कॉलेज में, बिजनेस, बिजनेस में, बैंक्स में, एंड एवरीवेयर, और हर जगह, एंड वेरी एवरी सेक्टर, हर जगह और हर सेक्टर में, यानी एवरी सेक्टर, यानी हर जगह और हर क्षेत्र में आजकल कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है भाई। ऐसे देखिए, पहले बैंक में से पासबुक वगैरह से कॉपी से पेन चढ़ाते थे, आजकल वहाँ पर भी कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं। तो ओवरऑल जहाँ पर भी आप जाइए, टिकट वगैरह पहले बिलिंग देखिए, और समोसे वगैरह पैसे डायरेक्टली से काट लेते होटल पर, आज जाइए अब देखिए कि बिल जो है कंप्यूटर से बढ़िया बन के निकल के आता है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो कंप्यूटर का यूज़ जो है ना वो डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। अगला देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के जो प्रकार है, यानी कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कई प्रकार होते हैं, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर हो गया, माइक्रो कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया। तो ये कंप्यूटर टोटल चार प्रकार होते हैं, ठीक है भाई। अगला उसका देखिए एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के कौन कौन से एडवांटेज हैं, लाभ हैं। तो देखिए भाई एडवांटेज मतलब क्या होता है, लाभ, है ना, लाभ कहे कि ऑफ माने कि कंप्यूटर माने कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के क्या लाभ हैं। तो द मेजर यूजिंग ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का जो मेन प्रयोग है, इज दैट ऑफ पॉसिबल, इसका प्रयोग किया जाता है टू रिसीव सप्लायंट प्रोसेस, यानी कि जो सप्लायंट प्रोसेस होते हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, यानी डाटा का आदान प्रदान करने के लिए, यानी पॉसिबल होता है रिसीव करना या सप्लाई करना जो प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा होता है, एट वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय में, नेट वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय में डाटा को ट्रांसफ़र किया सकता है। जैसे मानिए कि आपको यहाँ से किसी को पत्र भेजना है और पीडीएफ वगैरह डॉक्यूमेंट, और उसको अगर आप बाय पोस्ट भेजोगे इतना खर्चा लगेगा, एक से दो दिन तीन दिन लग जाएंगे पहुँचने में, जबकि हो गया अगर आप वही को ईमेल द्वारा भेजते हो कंप्यूटर द्वारा, तो वो नैनो सेकंड में चला जाएगा भाई, नैनो सेकंड में फटाक से पहुँच जाएगा, बात समझ रहे कि नहीं। तो ये चीज़ें कंप्यूटर से फ़ायदे हैं ना, और भाई फ़ायदा है तो फिर कुछ हानियाँ भी तो होंगी, तो चलिए उस हानियों के बारे में बात करते हैं भाई। डिसएडवांटेज मतलब जो हानियाँ होती हैं, क्या हानियाँ, है ना, जो हानियाँ होती हैं कहे कि ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की ना। तो यूज़ अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का प्रयोग करना कैन मेक यू फिजिकली वीक, आपको शारीरिक रूप से कमज़ोर बना सकता है, एंड लेजी और आलसी बना सकता है भाई। दिन भर आप बैठे रहोगे, बैठे बैठे ही तो वर्क करोगे, तो यहाँ पर आप क्या हो जाओगे, धीरे धीरे जो है फिजिकली आप वीक हो जाओगे और लेजी हो जाओगे, ठीक है। एक्सटर्नल अनवांटेड एक्टिविटीज़, अगर आपने कोई एक्सटर्नल फालतू की अनवांटेड, जो बिना चाहने वाली चीज़, जिसका ज़रूरी नहीं है, एक्टिविटी अगर आप कंप्यूटर पर करने लगे ना, तो कैन वेस्ट योर टाइम बाई यूजिंग कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का प्रयोग करके फिर आपका भाई समय भी क्या होगा, बर्बाद होने लगेगा, वेस्ट योर टाइम यूजिंग कंप्यूटर। आगे बात करेंगे कॉन्क्लूजन की, तो कॉन्क्लूजन का मतलब क्या होता है भाई, निष्कर्ष, यानी ओवरऑल अभी तक ऊपर आपने जो सीखा उसको आपको यहाँ पर बताना है। तो फाइनली यानी अंत में, इट सीम्स ऐसा लगता है
दैट इंडिया यानी कि जो भारत है ना वो विल हो जाएगी फुल्ली कंप्यूटराइज्ड, पूरी तरीके से कंप्यूटराइज हो जाएगी इन अपकमिंग ईयर्स, यानी आने वाले सालों में, है ना, आने वाले सालों में पूरी तरीके से कंप्यूटराइज हो जाएगी। बिकॉज क्योंकि कंप्यूटर जो है ना इज़ है फाउंड पाया जाता है एवरी सेक्टर एंड एवरी वेयर, यानी हर जगह हर क्षेत्र में जो कंप्यूटर है वो आजकल पाया जा रहा है। तो इससे ये लगता है कि जो कंप्यूटर है वो आने वाले टाइम में हर जगह हर क्षेत्र में पाया जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये इससे आपको पसंद आया होगा। इससे अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।